राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार पीपीनी 24/7 में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं ऐसी खास खबर पर। सिघौना में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप आयोजित कर 230 लोगों का किया टीकाकरण। बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को दी गई पहली वरीयता। लालगंज आजमगढ़ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज शुक्रवार को सिघौना बाजार के सिद्धेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में मेला कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 300 वैक्सीनेशन का लक्ष्य लेकर अभी टीम ने टीकाकरण शुरू किया तो देर शाम तक कुल 230 लोगों का टीकाकरण किया गया। भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस कांस्टेबल की तैनाती की गई, जिसके द्वारा लोगों को लाइन में लगाकर लोगों को टीकाकरण के लिए भेजा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं ने पहुंचकर टीकाकरण कराया, साथ ही क्षेत्र के युवाओं को लोगों का पंजीकरण करने में मदद भी करते देखा। बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों की पहली वरीयता भी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ आकांक्षा सिंह नंदकिशोर, एएनएम पूनम पाल, एएनएम संगीता पाल, आशा सुषमा मौर्य, आशा गायत्री तथा आशा संगिनी सुभावती सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सीएचओ आकाश सिंह ने बताया कि आज शुक्रवार को 230 लोगों का टीकाकरण किया गया। आज देखिए असगर आजम की खास रिपोर्ट। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।